हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का क्विक रिवीजन में हम लोग पढ़ने वाले हैं जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में टेस्ट है, ठीक है ना, जो कि सीबीएसई बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, वो सारे टेस्ट हम लोग करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला हमारा टेस्ट है जो कि डिस्टिंग करता है किसको किसको, क्वेश्चन आता है डिस्टिंग बिटवीन हेलो एल्केन एंड हेलो एल्केन एंड हेलो एरेन के बीच, इसके बारे में कौन सा हम लोग टेस्ट करेंगे। तो इसके लिए हम लोग एक टेस्ट है जिसका नाम है सिल्वर मिरर टेस्ट, सिल्वर मिरर टेस्ट उसको कहते हैं। तो सिल्वर मिरर टेस्ट क्या करता है, जो आपका हेलो एल्केन होगा, हेलो एल्केन, वो क्या करेगा, जब मैं उसको व्हेन ट्रीटेड विथ हेलो एल्केन, व्हेन ट्रीटेड विथ AgNO3 सॉल्यूशन, देखिए हेलो एल्केन को ट्रीट करते हैं AgNO3 सॉल्यूशन के साथ, ठीक है ना, AgNO3 सॉल्यूशन के साथ विल गिव वाइट पीपीटी of AgX, ठीक है ना। लेकिन ये हेलो एल्केन को जब हम ट्रीटेड करते हैं AgNO3 के साथ सॉल्यूशन के, तो वो क्या देगा हमारा वाइट पीपीटी ऑफ AgX। लेकिन हेलो एरेन जो आपका हेलो एरेन होता है, हेलो एरेन ये डज नॉट, ये नहीं देता है। तो हम लोग इससे क्या पता कर लेंगे, सिल्वर मिरर टेस्ट से हेलो एल्केन और हेलो एरेन में अंतर हम लोग बता देंगे बहुत इजी वे में। तो दैट इज द फर्स्ट टेस्ट। फिर अगर मेरे पास कभी तो क्वेश्चन आता है डिस्टिंग्स बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल में किस तरह से हम लोग अंतर, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल में किस तरह से अंतर हम लोग करेंगे, इसके लिए हमारे पास सबसे पहला चीज है लुकास टेस्ट। सीएल आ जाएगा और साथ में वाटर अलग हो जाएगा, ये तो हम लोग बचपन से जान रहे, ठीक है ना। इसका क्या हो जाएगा, एल्काइल क्लोराइड, क्या बना लेगा, क्लोराइड बना लिया, यानी और इसमें जो बनेगा वो क्या होगा, टर्बिडिटी अपीयर होगा, ठीक है ना। लेकिन ये तो हम लोग जान गए कि टर्बिडिटी अपीयर होगा, ठीक है ना, टर्बिडिटी अपीयर होगा, लेकिन इस टर्बिडिटी से क्या पता चल रहा है कि 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री में क्या होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 डिग्री 1 डिग्री एंड 3 डिग्री, देखिए जब 1 डिग्री के साथ अगर टर्बिडिटी अपीयर होता है, तो जो 1 डिग्री के साथ टर्बिडिटी आता है, टर्बिडिटी अपीयर 1 डिग्री के साथ बहुत जल्दी आ जाता है, इमिडिएटली आ जाता है, सॉरी मैं क्या बता रहा था, टर्बिडिटी अपीयर होगा 3 डिग्री के साथ, अगर 3 डिग्री होगा तो 3 डिग्री के साथ इमीडिएटली आ जाएगा, सॉरी मैंने गलती से बोल दिया, 3 डिग्री के साथ टर्बिडिटी जल्दी से आ जाएगा, इमीडिएटली आ जाएगा, ठीक है ना। और टर्बिडिटी अपीयर विद इन 5 मिनट्स, 5 मिनट या कुछ मिनट में, 5 मिनट्स में आपका 2 डिग्री के साथ आएगा, ठीक है ना। और जो टर्बिडिटी अपीयर होगा ओनली जब हम हीट करेंगे, या काफी ज्यादा टाइम लगेगा, जनरली हीट करना पड़ेगा 1 डिग्री। देखिए फिर से देखिए लुकास टेस्ट में क्या करते हैं, अल्कोहल है HCl, एनहाइड्रस जेजन CL2 में एल्काइल क्लोराइड बनाता है और वाटर यहां आता है और टर्बिडिटी अपीयर हुआ, टर्बिडिटी कितने बहुत जल्दी से 3 डिग्री में बन जाएगा, 2 डिग्री में लगभग 5 मिनट टाइम लगेगा, ठीक है ना, और 1 डिग्री में ऐसे नहीं बनेगा, हीट करना पड़ेगा या काफी ज्यादा टाइम। तो दिस इज लुकास, ठीक है ना। तो लुकास टेस्ट में हमने देख लिया, अब हमारा अगला देखते हैं क्या है, लुकास टेस्ट के बाद नेक्स्ट हमारा है विक्टर मिरर,
ये आपका क्या है विक्टर ये क्या बताता है विक्टर जैसे अपना है एल्कोहल एल्कोहल को रेड फॉस्फोरस प्लस आई टू ठीक है रेड फॉस्फोरस प्लस आई टू इसके साथ करते हैं तो ये आपका क्या देता है एल्काइल आयोडाइड देता है हमारा ठीक है ना और फिर मैं इसको AgNO2 को क्या बोलेंगे सिल्वर नाइट्रेट AgNO को क्या बोलेंगे सिल्वर नाइट्रेट लगाते हैं तो सिल्वर नाइट्रेट के साथ जब लगाते हैं तो ये क्या बनाएगा आपको ये आपको बना देगा नाइट्रो एल्केन ठीक है ना और ये नाइट्रो एल्केन फिर देखिए नाइट्रो एल्केन बना और इस नाइट्रो एल्केन के साथ मैं HNO2 के साथ रिएक्ट कराता हूं HNO2 और साथ में NaNO2 प्लस डाइल्यूट HCl ठीक है ना तो ध्यान दीजिएगा ये आपका तीन तरह से चीजें हो जाएगी अगर 1 डिग्री का केस होगा विक्टर मेयर टेस्ट में तो ये आपका ब्लड रेड कलर का देगा इसका कलर 1 डिग्री में क्या कौन सा कलर होगा ब्लड रेड कलर का ठीक है ना और 2 डिग्री में ब्लू कलर और 3 डिग्री में आपका कलर मिक्स होगा ठीक है ना तो इससे आपको पता चल जाएगा कौन अल्कोहल 1 डिग्री है 2 डिग्री है एंड 3 डिग्री है क्लियर है आपको करना है ठीक है ना इसमें कंपाउंड जो मिलता है जनरली 1 डिग्री में वो आपको याद नहीं रखना है फिर भी मैं आपको ऐसे ही बता दिया CONH NO2 2 डिग्री में ये 1 डिग्री के केस में और 2 डिग्री के केस में RCNO ठीक है ये आपको कंपाउंड मिलता है बट आपको मेनली क्या रखना है विक्टर मेयर टेस्ट में अल्कोहल को रेड फॉस्फोरस प्लस आई टू तो अल्काइल आयोडाइड बना फिर इसको सिल्वर नाइट्रेट के साथ नाइट्रो एल्केन इसके साथ HNO2 और NaNO2 डाइल्यूट HCl तो 1 डिग्री के केस में ब्लड रेड कलर का मिलेगा आपको और 2 डिग्री के केस में ब्लू कलर का मिलेगा और 3 डिग्री में कलरलेस मिलेगा तो आप हम लोग जान सकते हैं कि किस तरह से हमारा होगा तो विक्टर मेयर टेस्ट कंप्लीट हुआ अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग विक्टर मेयर टेस्ट के बाद ठीक है अब देखो बहुत सिंपल है एल्डिहाइड एंड कीटोन काफी इंपॉर्टेंट इसको देख भी लीजिएगा नेमिंग रिएक्शन में भी हम लोग पढ़ाए हैं ठीक है ना बिटवीन एल्डिहाइड और कीटोन में अंतर अगर पता करना है कि कौन सा है तो आप लोगों को ध्यान रखना है टॉलिंस रिएजेंट हम डिटेल में भी बताए हैं आप लोग ध्यान रखिएगा टॉलिंस रिएजेंट के बारे में और टॉलिंस रिएजेंट टेस्ट भी इसको बोलते हैं टॉलिंस रिएजेंट टेस्ट क्या बोलता है एल्डिहाइड जो होता है एल्डिहाइड टॉलिंस रिएजेंट टेस्ट क्या या एल्डिहाइड जो होता है ये देता है और इसको हम लोग क्या बोलते हैं और एल्डिहाइड और कीटोन की बात कर रहे हैं ना तो कीटोन ये टेस्ट नहीं देता है इसको हम लोग सिल्वर मिरर टेस्ट में बोलते हैं ये क्या बनाता है फॉर्म सिल्वर मिरर बट कीटोन नहीं देता इसी तरह से फेलिंग्स सॉल्यूशन टेस्ट में भी आपका ये क्या देगा गिव्स रेड पीपीटी बट ये आपका नहीं देगा ध्यान दीजिए टॉलिंस टेस्ट एल्डिहाइड सिल्वर मिरर बट कीटोन नहीं देगा फेलिंग्स सॉल्यूशन टेस्ट रेड पीपीटी बट ये नहीं देगा ठीक है ना कीटोन आपका नहीं देगा ये आपको ध्यान रखना है क्लियर अब इसमें हमारे जो चीजें हैं कि क्या है किस तरह से हमारा क्या क्या होता है टॉलिंस के लिए अगर मैं बात कर लूं एक एग्जांपल के थ्रू अगर मैं आपको बताऊं टॉलिंस में क्या होता है ठीक है टॉलिंस रिएजेंट में तो आप छोटा सा तरीका मैं बता देता हूँ आपको टॉलिंस के टेस्ट में वैसे इसका डिटेल मैंने आप लोगों को कराया है ठीक है ना ये ऐसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ एसिटल डिहाइड एंड एसीटोन एसिटल डिहाइड एंड एसीटोन के बाद तो एसिटल डिहाइड एंड एसीटोन में CH3CHO प्लस 2Ag ये ध्यान रखिएगा टॉलिंस कौन सा टॉलिंस रिएजेंट कौन सा होता है ठीक है ना यही आपका क्या है टॉलिंस रिएजेंट ये आपका क्या दे देगा CH3 C डबल बॉन्ड हो NH4
प्लस 2AZ, यही आपका सिल्वर मिलर, ठीक है। साथ में वाटर और NH3, ठीक है ना, ये आपको दे देगा, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपका हमारा टॉलिंस क्वेश्चन है, टॉलिंस और फेलिंग्स को हम लोग ध्यान से देखेंगे कि किस तरह से कौन सा चीज देता है। एक आपका हमारे पास और एक चीज है, आइडोफॉर्म टेस्ट की बात करें, ध्यान से देखिए, आइडोफॉर्म टेस्ट भी डिटेल में हम लोग पढ़ चुके हैं। देखिए, अगर मान लीजिए हमारे पास फॉर्मल डिया एसिटल डिहाइड, यह आपके पास हमारे पास 3-pentane ONA एंड 2-pentane ONA, ठीक है ना। तो हम लोग आइडोफॉर्म टेस्ट की बात करें, आइडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है ना, तो आइडोफॉर्म टेस्ट में ये नहीं देता ये सारे कंपाउंड, क्यों? ध्यान दीजिएगा, आइडोफॉर्म टेस्ट कभी भी देगा जब भी हमारे पास जैसे ये ग्रुप के साथ CH3 लगा हो या इसके साथ CH3 लगा हो। तो फॉर्मल्डिहाइड में देख लो HCHO होता है, जिसके कारण ये नहीं देगा आइडोफॉर्म टेस्ट, ये दे देगा, ये नहीं देगा। बेंजल्डिहाइड में भी नहीं होता, एसिटल्डिहाइड दे देगा, 3-pentone में नहीं होगा, 2-pentone में नहीं होगा। इसका रिएक्शन भी देख लेते हैं एंड देन आफ्टर फिर हम छोटा सा रिएक्शन। CH3CHO प्लस 4NaOH प्लस 3I2, ठीक है ना। देखिए CH3CHO बेस और I2, ये आपका क्या ध्यान दे देगा, ध्यान रखिए CH3 जो कि येलो PPT होगा इसका, देखो प्रिसिपिटेट प्लस SCOONA प्लस 3H2O प्लस 3NaI, ये ध्यान रखिएगा, ये चीजें हमारे पास हो गया, ठीक है ना। ये हमने बताया आपको कौन सा टेस्ट हो गया, आइडोफॉर्म टेस्ट। तो आइडोफॉर्म टेस्ट हम लोग सीख गए, अब हम लोग एक और वीडियो देंगे इसके बाद, तब तक के लिए थैंक यू।